इतना ड्रामेबाज हो गई है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं दिखाती हूँ, बताऊंगी क्या। देखिए फोटो शूट के लिए आप देखिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। देखो इधर, देखो इधर, देखो इसको भी लेके करना है, तो पहले मेकअप वाला से कर ले। इसकी मम्मी को भी मेकअप करना बहुत पसंद है। फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल पूजा ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हमारी मिश्री भी बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत ज्यादा बदमाशी कर रही है। मैं अभी अभी नहा के आई हूँ और ये देखिए मुझे पूजा करना है और ये गोदी से नहीं उतर रही है, मतलब रो रही थी। और बहन जो है बुगू को खाना खिला रही थी, तो इसी के लिए वो ले नहीं पाई इसको, और मुझे करना है पूजा और ये बिस्तर पे रह नहीं रही है, बिस्तर पे रखते ही रोने लगती है। तो बुगू का खाना हो गया है अभी, अब उसकी मम्मी बस किचन में गई है हाथ धोने के लिए, तो वो आएगी और मिश्री को लेगी, तब मैं जाऊंगी पूजा करने। और ये इतना ड्रामेबाज हो गई है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं दिखाती हूँ, बताऊंगी क्या। देखिए देखिए मैं इसको रख रही हूँ नीचे, ठीक है, रुकिए आप बस देखिए। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, अब ये रोने लगेगी। आप यहाँ पे खेलू खेलू करो, ठीक है, हम अब भी आ जाते हैं पूजा करके। क्या हुआ? हाँ? अब आ गई है मम्मी, अब आप खेलू खेलू करो मम्मी के साथ, ठीक है। अब मासी जा पूजो करने, पूजा जय जय करेगी मासी अब, ठीक है, जय जय करेंगे ना अब। हाँ जय जय, बुगू को भी जय जय करना बहुत पसंद है। अक्सर बुगू भी शाम को मतलब धूपकाठी जलाता है ना बुगू। चलिए अब मैं पूजा करूंगी, आ जा बाहर मत जाओ। पूजा करने के बाद मुझे लंच भी बनाना है, लंच बाकी है, बाकी का सारा काम हो गया है, लेकिन आज बुब्बू लोगों का काम नहीं हुआ है, बुब्बू का नहाना नहीं हुआ है, मिश्री का नहाना नहीं हुआ है, है ना, है ना। तो चलिए मैं जल्दी से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। अंडा कड़ी बना रही हूँ अभी और एक तरफ मैंने चावल भी रखाया है। हमारी मिश्री रानी सो रही है और जिसे पूरा बदमाशी कर रहा है सबसे, और बहन गई है नहाने के लिए, तो एक बार मैं उधर भी देख रही हूँ, एक बार किचन में आ रही हूँ। गाइज आज हमारी लाडो रानी 6 मंथ की हो गई है, तो इसी के लिए हमने सोचा है कि उसको अच्छा अच्छा से रेडी करके उसका फोटो शूट करेंगे। इसी के लिए मैं जल्दी जल्दी आज सारा काम कर ले रही हूँ ताकि मैं उसका फोटो शूट कर सकूँ। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिए। तो चलिए मेरा खाना यहाँ पे लगभग बन चुका है और उसके बाद जाते हैं, देखते हैं कि मिश्री क्या कर रही है। मिश्री कौन रो रहा है? लाडो ये अब रो रहे थे, अब हंस रहे हैं, अब उठ गए मासी, हम उठ गए हैं मासी, मासी डुगुस डुगुस डुगु डुगु। अरे यहीं पे है, यहीं पे है, हाँ नहीं गए हम, अब डर गए थे। इत्तकुश। इत्तकुश। इत्तकुश, इत्तकुश। मतलब यहाँ पे लेना है, यहाँ पे आ जाए हम आपके बगल में, आपके बगल में आ जाए। मिश्री के फोटो शूट के लिए हम लोग तब से
परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये है कि फोटो शूट करवाना ही नहीं चाहती है। आप लोग देखिए, मतलब वो अपना ड्रेस को मुंह में ले रही है बार बार। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक दो भी फोटो अगर क्लिक कर सके। देख, आप देख सकते हैं कि वो अपना ड्रेस को मुंह के अंदर डाल रही है। ए! अरे एक को देखिए, सबसे बर्बाद कर रहा है। नहीं और गोल कर, और कर। हाँ, परेशान कर रही है। ओए लाडू, अरे एक को देखिए, नाक भी बैठा है बच्चा का। खिलौने सारे बलिया, पहले जैसे अब मेरा मिश्री है कहाँ। गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से हम लोग फोटो शूट कर रहे हैं। मतलब उसके लिए गाना गाना पड़ रहा है, ऊपर से डांस करके दिखाना पड़ रहा है ताकि वो थोड़ा देर शांत रहे तो हम लोग फोटो क्लिक कर सके। और उसी बीच में हम लोग जल्दी जल्दी से उसका ड्रेस भी चेंज करवा रहे हैं ताकि दो चार ड्रेस में, अलग अलग ड्रेस में उसका फोटो हो सके। तो देखिए, मतलब बहुत मुश्किल से कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि कितना मुश्किल हो रहा है। एक तो मतलब बार बार वो इधर उधर पैर हाथ कर दे रही है, तो उससे उसका जो बटरफ्लाई है या सब कुछ जो भी हम लोग यहाँ पे मतलब मैनेज किए हैं सब बिगड़ भी जा रहा है। पैर उठा ले रही है तो अंदर का पैंट दिख रहा है। देखिए, अब तो पूरा का पूरा उलट गई। मतलब आप मतलब क्या बताएं कि कितना मुश्किल लग रहा है। ऊपर से मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इसके बारे में। बस हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा करके देखें कि कैसा लगता है। तो बहुत मुश्किल है, इतना तो पता चला गाइस कि बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे हमारी लाडो रानी बहुत परेशान कर रही है, और बुग्गू है कि मतलब मत पूछिए, उससे भी ज्यादा परेशान तो आज बुग्गू कर रहा है हम लोगों को। इसको ये तो पूरा परेशान करके रख दिया है, सोया भी नहीं है आज, नहीं तो डेली सोता है ये। हट बदमाश, हट बदमाश, हट हट लाडो। गाइज, हमारी लाडो रानी कैसी लग रही है आज, जितने भी ड्रेस में वो उसने फोटो शूट करवा रही है, मतलब कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए कितना मुश्किल हो रहा है, मतलब मैं क्या ही बताऊं कि इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से बुग्गू तो कंटिन्यूसली हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऊपर से जो भी चीज यहाँ पे मैनेज किए हैं, ये जो सिक्स लिखा हुआ है, वो बार बार मिश्री कपड़ा को पकड़ के टांग ले रही है, जिसकी वजह से हमारा एस बिगड़ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब वो फिर से ये सेम चीज कर रही है, इसके वजह से हम लोगों ने एक भी रील्स नहीं बना पाई। मतलब क्या बोलूं, बहुत मुश्किल से कुछ कुछ शूट की हूँ जो आप लोगों को मतलब शॉर्ट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। क्या कर रहा है रे, बाप रे, मेकअप कर रहा है कि? हे भगवान, लिपस्टिक भी लगाएगा? लिपस्टिक लगाएगा। यहाँ पे देखिए, एक फोटो शूट के पीछे कितना मेहनत रहता है आप लोगों को पता चल रहा होगा देख के। पूरा घर का हालत बिखर गया है। जब तक हम लोग इधर कोशिश कर रहे थे तब तक बुग्गू पूरा रूम को बिखेर कर रख दिया। एक फोटो शूट के लिए आप देखिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है। चावल, मटर और मिश्री है कि फोटो शूट करवा ही नहीं रही है ठीक से। मैं यहाँ पे सारी चीजों को अरेंज कर रही हूँ कि किसी में मिश्री को रख के यहाँ पे फोटो शूट करेंगे, और उसको आ गया है उधर नींद। और बुग्गू हमारा इधर मसाला पीस रहा है, मतलब मिक्सी में हम लोग जो मसाला पीसते हैं वैसा ही साउंड निकाल रहा है, मसाला पीस रहा है। अभी मेकअप वाला से कर रहे हैं जो कि वो नहीं करेगी, मुझे पता है, बहुत झंझट है। और उसके बाद पूरा हम लोग किचन का सामान भी लेके बैठ गए हैं, इसको भी लेके करना है। तो पहले मेकअप वाला से कर ले फोटोशूट, उसके बाद दाल चावल से करते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाल नहीं लिया है क्योंकि दाल और चावल मिक्स हो जाने के बाद बहुत दिक्कत हो जाएगा दोनों को अलग करने में। इसको देखिए, ये सिर्फ हाय बुग्गू ही सीखा है, खाना वाना तो कुछ नहीं सीखा है अभी तक। तो मैं दाल के साथ नहीं कर रही हूँ क्योंकि दाल चावल मिक्स हो जाने के बाद फिर वो यूज में नहीं आएगा, क्योंकि कितना हम लोग खिचड़ी खाएंगे ही, और वैसे भी ये वाला चावल का खिचड़ी हम लोग खाते नहीं है। तो इसी के लिए मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, मैं मटर और चावल का यूज करूंगी। तो ये दोनों के साथ मैं बाद में करूंगी, पहले मैं मेकअप से कर लेती हूँ, क्योंकि हमारी मिश्री रानी तो आप जानते ही हैं क्यूटी क्यूटी सी है, तो वो मेकअप करना ज्यादा पसंद है। एक्चुअली क्या है ना कि उसकी मम्मी को भी मेकअप करना बहुत पसंद है,
उसकी मम्मी को हमेशा से ही मेकअप और उसकी मासी को भी पसंद है, ये भी मुझे बोल नहीं दो। पसंद है, आप लोग जानते मासी हैं? को कुछ ज्यादा ही पसंद है, मासी उसका बहुत कम मेकअप करती है, आप लोग तो मुझे देखती हैं। हाँ ये सबको पता है, आप सबको पता होगा कि मासी को ज्यादा पसंद है कि मम्मी को ज्यादा पसंद है। मैं वैसे भी फिल्टर यूज कर लेती हूँ, लेकिन यूट्यूब में तो फिल्टर यूज नहीं होता है, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे बनाना होता है तो फिल्टर यूज हो जाता है, लेकिन यूट्यूब पे कोई फिल्टर यूज नहीं होता है, अब मैं नहीं करती हूँ। तो चलिए फटाफट ये इससे डेकोरेट करते हैं। फाइनली हमने सब कुछ सेट कर लिया, अब देखते हैं कि हमारी लाडो रानी फोटो शूट करवाती है कि नहीं, क्योंकि उसको लगा है बहुत जोरों का नींद। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जैसे तैसे करके तो गाइज हमने वो वाला भी फोटोशूट कर लिया, और यहाँ पे देखिए अभी मैं चावल और मटर से सिक्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और यहाँ पे बुगू है कि मुझे परेशान कर रहा है, ऊपर से ये वाला मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा भी अगर कपड़ा इधर उधर हुआ तो पूरा सिक्स जो है लिखा हुआ वो पूरा बेकार हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं कि मिश्री के सोने से पहले हम लोग जल्दी जल्दी से कर ले, क्योंकि उसको बहुत नींद लगा है और वो रो भी रही है। हमारी मिश्री को नींद आ गई है बहुत, पता नहीं वो फोटोशूट करवाएगी भी या नहीं, लेकिन ये लास्ट है, जल्दी जल्दी से करके मेरे पास जो सामान अवेलेबल था उसी से कर रही हूँ। गाइस मैं पहले बार ये सब कर रही हूँ, मैंने आज से पहले कभी किया भी नहीं है और ना ही अपने आंखों से अभी तक किसी को ये चीज करते हुए मतलब फेस टू फेस देखा है, तो मुझे पता नहीं कि कैसा हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा बना है और हमारी लाडो रानी का फोटोशूट कैसा हुआ है, उसका शॉर्ट्स जरूर देखिएगा, आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत अच्छा अच्छा शॉर्ट्स मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए। यहाँ पे देखिए हमारा सिक्स पूरा रेडी है। तुम क्यों चढ़ा रहे, उतरो, कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं ये तो एकदम से अगर कुछ गड़बड़ की तो पूरा चावल का जो सिक्स लिखा हुआ है सब बर्बाद। लाडो रानी, लाडो रानी, बहुत मुश्किल से हमारी लाडो रानी चुप हुई है, मतलब कैप्सिकम उसके हाथ में आ गया तो इसी के लिए वो तब तक चुप है, और हम लोग फटाफट से फोटो क्लिक कर रहे हैं, शॉर्ट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके ये सब कर रहे हैं। और इसके बाद देखिए हमारी लाडो रानी फिर से रोने लगी थी, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मिश्री को मतलब कंधे पे लेके ऐसे घुमा रही हूँ, डांस कर रही हूँ, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत एंजॉय कर रही है। फोटोशूट तो हो गई लेकिन आप ही देखिए ये सब उठाने में ही 12 बज रहा है। फिलहाल तो मैंने मटर ले लिए हैं यहाँ से, सारा बाछ लिया, और अब देखिए हमारी मिश्री रानी कितनी शांत है, और फोटोशूट करवाते वक्त कितनी रो रही थी, कितनी परेशान की। तो इसमें चावल भी रखना है, बुग्गू मेरा बहुत हेल्प कर रहा है, उसको मटर का दाना उठाने में बहुत वो हेल्प किया है ना बुग्गू। हेलो कू, हेलो कू, हेलो कू, हाय हाय बोलना चाहिए, हाय हाय। तो बुग्गू मेरा बहुत हेल्प कर रहा है सच में, मटर का दाना उठाने में सच में हेल्प किया है, और बस सब चावल बचा है तो ये भी मैं ले लेती हूँ, बहुत ज्यादा काम है, घर का सारा सामान बिखरा हुआ है, बेड का हालत तो आप देखिए, मतलब एक साइड सब कुछ, मतलब बहुत सारा ऐसा कपड़ा निकाला गया था कि किससे डेकोरेट करें, किससे मतलब वो जो बटरफ्लाई है किससे बनाएं, तो बटरफ्लाई बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा कपड़ा निकल गया, लेकिन लास्ट में टॉवल से ही बनाएं जो कि बाहर में ही रखा हुआ था, तो इस चक्कर में पूरा बिस्तर का हालत खराब है, वो भी रेडी करना है, शाम भी हो गई है, छत पे जाना है, कपड़ा भी लाना है, बहुत काम है। और अभी देखिए लास्ट टाइम तो मिश्री को नींद आ गया था, जैसे लग रहा था वो सोएगी, इतना रो रही थी, लेकिन जैसे ही फोटोशूट खत्म ये महारानी भी बिजी हो गई है, अभी बहुत शांत भी है ना लाडू, लाडू, लाडू। चलिए मैं फटाफट से ये सब क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि डूडू भी शाम को घर आएगा, देखेगा पूरा घर बिखरा हुआ तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, वो बेचारा गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि दिन भर काम करने के बाद थक हार के घर आने के बाद अगर घर अगर गंदा मिले तो किसी का भी दिमाग खराब होगा, मैं रहूंगी तो मेरा भी होगा, तो उसके आने से पहले मुझे सब कुछ क्लीन भी करना है। गाइज आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हमारा ब्लॉग हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।